नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग को रतन इंडिया पावर में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कितने शेयर आप लोगों ने रतन इंडिया पावर के होल्ड कर रखे है। तो अभी हम लोग देखें तो रतन इंडिया पावर का जो करंटली शेयर प्राइस है 5.65 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज हम लोग मार्केट में 25 पैसे तक की बढ़त, 4% तक की बढ़त देखने के लिए मिली है। कल के दिन जो शेयर क्लोज हुआ था 5.40 रुपये पर क्लोज हुआ था, हालांकि मार्केट आज हम लोग को गैप के साथ खुलते हुए दिखाई दी थी। और अगर हम लोग देखें तो मार्केट पूरे दिन हम लोग को 5.65 रुपये से लेके 5.55 रुपये के बीच में शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप लोगों को पता होगा पिछली बार भी ये शेयर 5.65 रुपये के प्राइस को टच करके आप लोगों को नीचे दोबारा से डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा था इस शेयर में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग मार्केट बंद होने के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते तो आप लोग को बाइंग काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही थी। तो कल को ऐसी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज देखने के लिए मिल सकती है कि ये शेयर आप लोग को 5.70 रुपये तक खोलता हुआ दिखाई दे जाए। और अगर ऐसा होता है तो इस शेयर में आप लोग को दोबारा से बड़ी दिवाली देखने के मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग देखें तो पिछली बार भी जैसे मैंने भी आपको बताया 5.65 रुपये के प्राइस को ये टच करके दोबारा से नीचे आता हुआ दिखाई देता। और इससे पहले भी अगर हम लोग देखें तो 5.65 रुपये पर ही इसने हम लोग को बड़ा बड़ा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता इस शेयर में। तो अगर कल के दिन ये शेयर मार्केट में गैप के साथ खुलता है यानी कि 5.70 रुपये के आसपास ये शेयर खुलता तो इसमें आप लोग को दोबारा से बड़ी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं होता, कल के दिन इस शेयर में हम लोग को गिरावट के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया, तो आप लोग मान के चले इस शेयर में हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट आप लोग को 5 रुपये तक भी आने के लिए 5 रुपये तक आते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि 5 रुपये से मैं जिसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाएगा वो 4.85 रुपये पर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 रुपये के प्राइस को ये ब्रेकडाउन करता है तो आप लोग मान के चलिए इस शेयर में आप लोगों को 5.65 रुपये के आसपास ये शेयर दोबारा से आएगा और यहाँ से ये दोबारा से अपसाइड ट्रेंड देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो पूरा सीनेरियो है ये आपको एक मिड टर्म के उसमें देखने मिलेगा या आप लोग को 30 से 90 दिन के सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। और रतन इंडिया पावर में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी जिसके चलते ये कहा गया था कि रतन इंडिया पावर अपने 2 सालों में पूरा का प्रोडक्ट क्लियर कर लेगा। हालांकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हम लोग देखें तो रतन इंडिया पावर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपना डेप्ट क्लियर करने की। और इसने अपने अगर हम लोग देखें तो अपने जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा शेयर पे डेप्ट है। और एक टाइम पे इस कंपनी पर जो डेप्ट था 24,000 करोड़ का डेप्ट था, यानी कि आज के टाइम में इस शेयर ने बिल्कुल अपने उस डेट से हाफ ऑफ द इनकम पर आ चुका, हाफ ऑफ द डेट पे आ चुका है। और इस शेयर की जो प्रमोटर्स होल्डिंग हम लोग देखते हैं तो 44% तक की प्रमोटर्स होल्डिंग है, ये भी एक अच्छी बात है। और पिछले एक साल का हम लोग रिटर्न देखें तो 86% तक का रिटर्न पिछले एक साल में हम लोग को रतन इंडिया पावर में देखने के लिए मिला है, यानी कि ये शेयर ने आप लोग को पिछले एक साल में 86% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और हम लोग आपको बिल्कुल दिखाते हैं, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एक टाइम पे ये शेयर 2 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ये शेयर 8 रुपये तक गया। मैंने उस टाइम पे काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया था टेलीग्राम चैनल पे कि आप लोग इस शेयर को खरीदे, और मैंने इस शेयर को खरीदा था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। दोबारा से इस शेयर में हम लोग को यही देखने को मिला था। और अभी तो हम लोग को ये शेयर उम्मीद नहीं करते कि दोबारा से 7 रुपये के आसपास जाएगा, लेकिन हालांकि हम लोग को ये शेयर 7 रुपये के आसपास हम लोग को दोबारा से जाते हुए नहीं दिखा सकता, लेकिन 6 रुपये और 5 रुपये के प्राइस सेगमेंट में, 4 से 5 रुपये के प्राइस सेगमेंट पे ये शेयर हम लोग को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और दोबारा से इन फ्यूचर जैसे जैसे शेयर का डेप्थ क्लियर होगा आप लोग को ये शेयर बड़ी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। और पावर सेक्टर का शेयर है, पावर सेक्टर का शेयर का मतलब है आप लोग को आने वाले टाइम में इस शेयर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप लोग होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो पावर सेक्टर का शेयर अगर आप लोग होल्ड करके सकते हो तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इस शेयर में अगर आप लोग होल्ड करके रखते हो तो आने वाले टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।